तो वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये देखो, यहाँ पर मैं, ये लाइव स्ट्रीम है, ये लाइव स्ट्रीम अभी अभी मैंने यहाँ पर मैं कंप्लीट किया। यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा लाइव स्ट्रीम है, ठीक है। इसको भी मैंने थोड़ी देर पहले कंप्लीट किया। यहाँ पर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज अपडेट पैच नोट डिटेल्स, और यहाँ पर मैं इसके ऊपर देखो कुछ भी मेरे को यहाँ पर मैं रेवेन्यू नहीं मिला, एक भी सुपर चैट नहीं आया, 13 लाइक, करंट व्यूवर 2, और बाकी की चीज़ें यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। और ये रहा चैट, और चैट में यहाँ पर मैं जो जो चैट यहाँ पे चल रही है, यहाँ पर मैं राइट तरफ में देख सकता हूँ, और इस तरफ में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। आरके और शिनचैंग की मस्ती। और पेट्रोल का भाव अभी पाकिस्तान में चल रहा है 223 रुपये लीटर। बाप रे, कितना महंगा! ये वहाँ के लोगों का क्या हालत खराब हो रही होगी, उसका तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। चलो ठीक है, वहाँ पे आप पाकिस्तान में सब कुछ हालत ठीक हो जाए और सब कुछ सही हो जाए, मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ ऊपर वाले से। तो ये है मेरा लैपटॉप का सेटअप। इस तरीके से मैं सेटअप लगा के यहाँ पर बैठा हुआ था। ये छोटा सा टेबल है, इस छोटे से टेबल के ऊपर मैं लैपटॉप रख के, ये मेरा कूलिंग पैड है। कूलिंग पैड का प्राइस मैं बता देता हूँ, ये इसका लैप कर क्या, ये लैप कर का लैप कूलिंग पैड है। इस कूलिंग पैड के ऊपर में मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ है, और इसके ऊपर में कुछ बाहर की डस्ट वगैरह आ गई है, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ये डस्ट वगैरह ऐसे इसे खास तौर पे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। और कुछ यहाँ पर भी डस्ट लगी हुई है। ये जो विंड है, ये इसकी है, वो जो क्या बोलते हो, एयर वेंटिलेशन, उसके लिए दे रखा है। यहाँ से गर्म हवा निकलती है, और इस तरफ से यहाँ पर मैं, ये स्पीकर नहीं है, ये एयर पास होने के लिए। और यहाँ पर मैं बाकी की सारी चीज़ें रखी हुई है। ये चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे चार्जिंग का है इस तरफ में। यहाँ पर मैं अगर देखोगे तो यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैं ये दे रखा है, चार्जिंग पोर्ट दे रखा है इस तरफ में। यहाँ पर मैं यूएसबी का एक पोर्ट दे रखा है, यूएसबी 2.0 का, 2.0 या 2.0 ही बोल सकता हूँ, 3.0 का नहीं है, 2.0 है। और यहाँ पर मैं एक हेडफोन का जैक दे रखा है। नीचे में यहाँ पर मैं रबर चीज दे रखी है प्रोटेक्शन, जो मैं इसके ऊपर लगा के रखता हूँ, और लैपटॉप कुछ दिखने में ऐसा दिखता है। मजा आया भाई, मजा आया। कि नहीं आया? आई होप करता हूँ कि मजा आया हो। मैं पास से दिखा देता हूँ। इंटेल का आईकोर RTX 3050, एनवीडिया, एनवीडिया का RTX 3050 वाला ग्राफिक कार्ड, एनवीडिया RTX 144 GHz की इसकी रिफ्रेश रेट है। इससे ज़्यादा का रिफ्रेश रेट नहीं था, और मेरा जितना बजट था उस बजट में मेरे को इतना ही मिल सकता था, और जो मैं कर सकता था मैंने किया, और बाकी तो आप लोग का साथ और सपोर्ट रहेगा। शाबाश बेटा, पैसा ही पैसा हो गया। अब मैं बाकी का सेटअप दिखा देता हूँ, और उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा बाकी काम में कंप्लीट करवा के बताता हूँ। तो इसको मैं हमेशा कवर करके रखता हूँ, और ये इसका साइज का नहीं है, वो मेरे को शॉप वाले ने दे दिया था एसेसरीज में फ्री का। तो ये जो फ्री का है वो इसके साइज का नहीं है, इसके साइज का मेरे को लेना है, बट उसका लेने के लिए मेरे पास में अभी फंड नहीं है, एक्चुअली फंड है नहीं मेरे पास अभी। जितना भी जो भी बजट है वो सब EMI में जाएगा, तो फंड नहीं है मेरे पास। इस तरह मैं दूसरा मोबाइल ले, जहाँ से मैं चैट देख रहा था, और बाकी जब मोबाइल से लाइव स्ट्रीम करता तो यही से चैट देखता हूँ। एंड ये रहा मेरा सेटअप। यहाँ पर मेरा माउस है, जो मैंने पहले दिखाया था पुराने वाले सेटअप में, मैंने माउस दिखाया था, ये ज़ेप्रोनिक्स का माउस है। इस माउस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस डिस्क्रिप्शन से इस माउस को बाय कर सकते हो अगर आपको लेना है तो। ये मेरे को नॉर्मल वाला माउस है, ये काम चल जाता है, मेरे हाथ की फिटिंग के हिसाब से बहुत बड़ी बढ़िया है। और ये USB पोर्ट है, इसका वाला भी लिंक मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप इसको बाय कर सकते हो। ये जो USB पोर्ट है, ये USB पोर्ट बड़े काम की चीज़ है। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रखा है लैपटॉप के एक पोर्ट में, और लैपटॉप के 2 पोर्ट है यहाँ पर मैं, लैपटॉप के 2 पोर्ट है। अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं 2 पोर्ट दे रखे, एक लैन पोर्ट है, एक USB टाइप पोर्ट है, और दूसरी तरफ मैं बाकी के और पोर्ट्स दे रखे, जो कि RJ लैन पोर्ट, पोर्ट कुछ तो बोलते हैं उसको,
तो वो पोर्ट दे रखा है जिसको मैं ज़्यादा यहाँ पर मैं जूम और जूम इन नहीं कर सकता, तो आप लोग उतना अंदाजा लगा लेना। ये इसका लैपटॉप का पावर अडेप्टर है, ये अडेप्टर मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है और ये एक्सटेंशन बोर्ड मैंने वहाँ से लेकर आया, उधर से वायर डालते हुए यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लेके आया और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी इसका काम हो चुका है, अभी ये हो जाएगा ठंडा, इसको मैं ठंडा होने रहने देता हूँ। दूसरा फिर एक बटन इसका स्विच बनाया मैंने इसमें और इसका एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ पर लगवा के इसके अंदर मैंने कलेक्ट किया ये फ़ैन। ये फ़ैन मेरे को पड़ा 700-800 का पड़ा, मतलब ऑलमोस्ट 800 का, तो 800 रुपये का फ़ैन है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहो तो बाय कर सकते हो। दूसरा ये फ्लैंक का प्लग यहाँ पर लगा हुआ है इस USB पोर्ट में, सॉरी USB पोर्ट नहीं, ये जो सॉकेट है इस सॉकेट में मैंने एक चार्जर का पोर्ट लगा रखा है 10 वॉट का। इसका मैं 10 वॉट का जो चार्जर है उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये भी चाहो तो आप बाय कर सकते हो 10 वॉट का चार्जर इस तरफ। और ये USB फ़ैन है, ये USB फ़ैन और ये वाला USB फ़ैन, ये दोनों फ़ैन पीछे की तरफ से कूलिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो बताता हूँ, आओ दिखा दो, आओ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये इस तरफ से पीछे वाले साइड से ये छोटे वाले जो दिख रहा है गोल गोल, ये USB लाइट है छोटे वाले, और ये जो बड़ा सा काला सा दिख रहा है ये USB लाइट है। इसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था मेरे सेटअप में, तो वहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ। और ये USB फ़ैन यहाँ पे देखो, इसको ठंडा कर रहा है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर मैं ठंडा कर रहा है, यहाँ से ठंडी हवा मार रहा है और ठंडी हवा मार के यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से इसका कूलिंग कर रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं इसमें बैक साइड में यहाँ पर मैं विंड लगे हुए है, इधर साइड यहाँ पर कूलिंग कर रहा है, यहाँ से हीट फेंकता है लैपटॉप इस साइड से हीट फेंक रहा है। यहाँ पर मैं इतना 50% जो है इसका पूरा विंड लगे हुए है वहाँ पर, मैं इस वो जो हीटिंग फेंकने के लिए जो लगे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो लगे पड़े। एंड यहाँ पर मैं कूलिंग पैड का यहाँ पर मैं नीचे में दो पोर्ट दे रखे हैं, इस तरफ में एक पोर्ट यहाँ पर दे रखा है और एक पोर्ट यहाँ पर इसमें लगा रखा है कूलिंग पैड का, जबकि कूलिंग पैड कूल करे नीचे की तरफ से ठंडा करे। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं बाकी के जो दिख रहे हैं आपको विंड, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा बंद है, पूरा बंद है, खाली बस यहाँ से फ़ैन लगे पड़े इसके लैपटॉप के, तो बस इसी वाले पोर्ट में जो है यहाँ पर मैं खाली है, बाकी की जगह पे उतना यहाँ पर मैं पैक है 50% यहाँ तक, और यहाँ से पूरा यहाँ तक बंद है। और इस तरफ में मैंने दो फैन लगा रखे हैं, ये वाला USB पोर्ट इसका भी पोर्ट का मैं लिंक दे दूंगा, और ये वाला USB पोर्ट इसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप दोनों भी बाय कर सकते हो। ये थोड़ा कम पावर वाला है, इसको एक्स्ट्रा पावर लगता है यहाँ पर मैं, इसका एक यहाँ पर मैं पोर्ट है देखो, ये एक पोर्ट जो है खाली है, तो इसको एक चार्जर लगता है एक्स्ट्रा पावर के लिए। तो अगर आप ये वाला बाय नहीं करना चाहते तो आप ये वाला बाय कर सकते हो जो कि फुल स्पीड में काम करता है। एक ये वाला USB पोर्ट है मेरे पास में और एक ये वाला USB पोर्ट है, ये इसका क्वांटम का है, क्वांटम का, और ये टेराबाइट का है, और ये टेराबाइट कंपनी का है USB पोर्ट जिसमें एक लाइट लगा हुआ है, इसमें विदाउट लाइट है ये वाला, और ये USB 3.0 वाला है, और ये उसके पहले का है, ये बहुत पुराना वाला है। तो मैं ये अभी तक यूज़ कर रहा था, इसका वायर क्वालिटी देखो यहाँ पर मैं ख़राब हो चुका है, निकल गया ये, तो उसको मैंने टेप लगाया हुआ है, और ये अभी बढ़िया क्वालिटी का है ये वाला USB 3.0 वाला, और ये वाला भी बढ़िया क्वालिटी का, ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ। ये इसके इससे भी ये जो ये ना ये वाला, इसके बाद में मैंने ये बाय किया था, और इसके बाद में फिर ये वाला, और इसके बाद में एक और USB पोर्ट मैं लेने वाला हूँ, वो एक है एक काम, तो उसके लिए लेने वाला हूँ। और ये सॉकेट का मैं लिंक दूंगा, ये सॉकेट भी आप चाहो तो ऑनलाइन बाय कर सकते हो, ये सॉकेट भी बहुत बढ़िया है। और इस तरफ में फ़ैन लगा पड़ा है जो कि अभी घूम रहा है, तो इसका भी लिंक दे दूंगा। और ये मेरा पूरा लैपटॉप, ये लैपटॉप पीछे की तरफ से कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा डस्ट लगी पड़ी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और ये कूलिंग पैड के ऊपर मैंने रखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर पूरा सेटअप लगा के मैं बैठा हुआ हूँ, और ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। तो एक टेबल के ऊपर मैं दो फ़ैन, लाइट और पावर बैंक, उसके बाद में एक्सटर्नल वहाँ पर मैं ये सॉकेट लगा हुआ है जो कभी भी एनी टाइम गिर सकता है, तो उसको स्पेशली मेरे को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा ये गिरे ना। तो यहाँ पर मैं पीछे की तरफ में कुछ सपोर्ट वगैरह कुछ बनाता हूँ मैं बाद में आराम से बैठ के। और ये सेटअप है मेरा, और ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, ओवरऑल ये पूरा सेटअप इस तरीके से है, और यहाँ से मैं पूरा मैनेज करता हूँ। और इसको मैं USB वहाँ पर मैं केबल यहाँ से लगा के, यहाँ पे USB केबल लगा के यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ।
आयचा गवा दी कचरा ना बहुत ज्यादा घुस जाता है उसके अंदर। चलो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।